हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज 14 सितंबर 2020। योर रिकैप्चुलेशन चैप्टर थर्ड इज गोइंग ऑन। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड देयर एप्लीकेशंस। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास आई हैव टॉट टू यू अबाउट एक्सरसाइज वन। ओके, एंड आफ्टर दैट आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन वन एग्जाम्पल। यू कैन सी इट हियर, दैट एग्जाम्पल आई हैव एक्सप्लेन इन द प्रीवियस क्लास। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज टू, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन द Example 2. Here it has been given divide 43,458 by 47. It means आपको 43,458 में 47 से divide करना है. Okay? So you will follow the same method. 47 से हमने से divide किया, 9 times गया, 423 आया. 434 से हमने 423 minus के 11 आया. Next digit 5 हमने note down किया. Now your number is 115. So now it will be divided by 2 times. So 47 2s are 94. 115 में हमने 94 माइनस कर दिया, कितना है आपका 21। सो नेक्स्ट डिजिट 8 हमने नोट डाउन किया, नाउ योर नंबर इज 218। नाउ 47 से आपका ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा, सो योर नंबर विल बी कम 188 एंड द रिमाइंडर इज 30। सो योर क्वेश्चन इज 924, दैट इज, एंड रिमाइंडर इज 30। इन दिस यू कैन ऑल्सो चेक द आंसर बाई मल्टीप्लीकेशन मैथड। सो हाउ कैन यू चेक द आंसर, लुक हियर। That answer you have got, that is the question. आप question से जो भी आपने number से divide किया है, आप उसको multiply करेंगे. So 924 से हमने 47 multiply किया. So multiply के बाद हमारे को जो answer मिला, क्या मिला? 43,428. Okay? Then you will add the remainder. So I have added the remainder. So now we have got the number 43,458, and that is the इक्वल नंबर ऑफ दीज, जिसको हमने डिवाइड किया है उसके क्या इक्वल है। सो इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2 ऑन द बेसिस ऑफ सेम पैटर्न। सो लुक इन द कॉपी। ओके, लुक हियर स्टूडेंट्स, हियर आई वॉन्ट टू स्टार्ट ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हैज बीन गिवन डिवाइड, फुल स्टॉप, चेक योर आंसर बाई मल्टीप्लीकेशन। यानी कि आपको पहले डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आएगा आप उसे मल्टीप्लीकेशन मेथड से चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। ओके, दैट आई विल एक्सप्लेन इन दिस टाइम विद द एग्जाम्पल। सो लुक हियर, यू विल डिवाइड विद 36 फ्रॉम, नहीं 36 टू 18,325। आप 18,325 को 36 से डिवाइड करेंगे। सो लुक हियर स्टूडेंट्स, सो हाउ कैन यू डिवाइड इट, लुक हियर 36 एंड 18,325। ओके, सो दिस इज योर सॉल्यूशन। लुक द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, 36 की आपको टेबल नहीं आती होगी, सो हम आपके इजी वे में समझाने के लिए हम रफ में 36 की टेबल को लिख रहे हैं। ओके, सो लुक हियर इन रफ कॉलम, 36 वन जा 36, 36 टू जा 72, 36 थ्री जा 108, 36 फोर जा 144, 36 फाइव जा 180, 36 सिक्स जा 216, 36 सेवन जा 252, 36 एट जा 288, 36 नाइन जा 324 एंड 36 टेन जा 360। ओके, सो नाउ दिस इज द टेबल ऑफ 36। नाउ आप 36 से डिवाइड करेंगे 18,325। सो यू कैन सी इट हियर, हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी डिजल। सो यू कैन सी इट विल बी डिजल बाय 5 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5। 5 टाइम्स में क्या आएगा आपका नंबर 180। सो हियर यू विल राइट 5 एंड देन 180। ओके, सो 180 को 183 से आप 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यू विल गॉट द आंसर 3। आपको 3 मिलेगा। नेक्स्ट 180 से 183 को 180 को 183 से माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर आपको क्या मिला? 3। नाउ 3 36 से डिवाइड नहीं होगा, सो यू हैव बीन नोटेड डाउन द अनदर नंबर 2। सो नाउ यू कैन सी इट हियर, 32 भी आपका 36 से डिवाइड नहीं होगा। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर आप दो नंबर एक साथ उतारते हैं, दो नंबर एक साथ यहाँ डिविजन के लिए आप उतारते हैं, सो एक आप जीरो बढ़ाते हैं, देन आफ्टर दैट आप नेक्स्ट नंबर उतारेंगे, यानी 5। ओके, सो नाउ योर नंबर इज 325। सो आप देखिए 36 की टेबल में कितने टाइम से जा सकता है। सो आई हैव सीन हियर 9 टाइम्स इट विल बी डिविजल। ओके, सो 9 हियर यू विल रिटर्न एंड देन 324। सो 325 में से आप 324 माइनस करेंगे, सो 1 आपका रिमाइंडर आएगा। सो यू विल राइट द आंसर, आंसर आप क्या लिखोगे बेटा? क्वेश्चन इज इक्वल टू, दैट इज द क्वेश्चन 509 एंड द रिमाइंडर इज 1। सो हियर यू विल राइट
509 and the remainder is 1. Okay, so students, in this question it has been also told to you, check your answer by multiplication. So here I will check the answer with the help of the multiplication method. So here you write the heading, check the answer. So remember beta, आपने जो आंसर आपको क्वेश्चन मिला है आप उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आपने अभी तक डिवाइड किया था. सो यू हैव सीन हियर क्वेश्चन इज 509 एंड फ्रॉम विच नंबर यू हैव बीन डिविजिबल 36. 36 से आपने डिवाइड किया था तो आप 36 से क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई. सो हियर यू विल राइट 509 इंटू 36. ओके सो नाउ यू विल मल्टीप्लाई 6 से आप पूरे ऊपर के नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे. सो 6 9 जा 54, 54 का 4 ईयर, 5 विल बी कैरी फॉरवर्ड, 6 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, 6 5 जा 30, क्लियर. नाउ यू विल मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ द 3, 3 9 जा 27, 7 ईयर 2 विल बी कैरी फॉरवर्ड, 3 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, देन 2 आप ऐड करेंगे, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 3 5 जा 15, क्लियर. नाउ यू विल एड इट, 4 5 plus 7, 11, 11 का 1 year and 1 will be carry forward here. Then, no, student 7 and 5 is equal to 12. Okay, 12 का 2 here and 1 will be carry forward. And 0 plus 2 is equal to 2 and 1 you have recorded here. एक आपका 1 इधर carry forward, so 1 plus 0 is equal to 1 and then 1 plus 2 is equal to 3. Okay, now 3 plus 5 is equal to 8. एंड देन 1. ओके मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको क्या मिला मल्टीप्लाई वाला आंसर 18,325. एंड वॉट इज द नंबर ऑफ द रिमाइंडर 1 हैज बीन फाइंड आउट द एज अ रिमाइंडर. सो हियर यू विल एड 1. ओके नाउ यू विल एड 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 2 एज इट इज नोट करेंगे 3, 8 एंड 1. सो यू हैव सीन हियर 18,325 यू हैव फाइंड आउट. And in the question, it has been given that number 18,325. It means both number are same. ये आपके दोनों number क्या आए हैं? Same आए हैं. यानी जो आपका ये answer आया, check करने पर answer आपको got हुआ, checking the answer. So same number you have been divided. आपने वही number divide किया था 36 से. So it means therefore answer question 509, comma रिमाइंडर 1 इज करेक्ट. आई थिंक स्टूडेंट्स आपको यह समझ में आया होगा. आप जिस डिजिट से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर रहे हैं आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, डिवीजन के बाद. देन आफ्टर दैट जो भी मल्टीप्लीकेशन का आंसर आएगा आप उसमें रिमाइंडर अगर कोई है सो आप उसे ऐड कर देंगे. अगर आपका ये नंबर जिसको आपने डिवाइड किया वही आपको रिसीव होता है, वही आपको मिलता है, सो इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. Clear students. Now students look the F part of this question. The question is relates from the 24,832 divisible by 45. Okay. Same pattern beta follow करोगे. एक question हम आपको इस method को और बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा. So I think student किसी बच्चे को या maximum बच्चों को 45 की table नहीं आती होगी. So आपको समझाने के लिए easy way में हम यहाँ आपको 45 की table rough में लिख के दे रहे हैं. ओके सो लुक हियर 45 वनजा 45, 45 टूजा 90, 45 थ्रीजा 135, 45 फोरजा 180, 45 फाइवजा 225, 45 सिक्सजा 270, 45 सेवनजा 315, 45 एटजा 360, 45 नाइनजा 405 एंड 45 टेनजा 450. ओके सो नाउ स्टूडेंट्स आपके पास 45 की टेबल हो गई है. अब आपको 45 से डिवाइड करना है. 248 में आपका डिविजिबल होगा क्योंकि 2 आपका डिवाइड नहीं होगा अकेले. 24 इज लेस देन, अगर आप 4 भी लेते हैं तो 24 इज लेस देन 45. सो आप थर्ड डिजिट भी लेंगे सो 8 हो जाएगा. सो 248 हो जाएगा. सो यू कैन सी इट हियर हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी डिविजिबल. I think 225, it means 1, 2, 3, 4, 5, 5 times it will be divisible. So here you will write 5 and 225. Okay. Now 248 से आप 225 को subtract कर देंगे. 8 से 5 subtract करेंगे 3 आएगा.
फोर में से टू गया, टू आया, देन क्रॉस, बिकॉज टू में से टू गया, कुछ नहीं आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट डिजिट यू विल बी नोटेड डाउन, दैट इज थ्री. सो नाउ योर नंबर इज 233. सो यू कैन सी इट हियर फ्रॉम विच नंबर इट विल बी डिविजिबल. सो आई थिंक इट विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाई फाइव टाइम्स. ओके, सो फाइव, देन 225. नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट इट. थ्री से बेटा फाइव डिवाइड नहीं होगा, सो हम थ्री का हो जाएगा क्या बेटा, 13. 13 में से फाइव गया, क्या है बेटा, 8. ओके, थ्री में से आपने वन कैरी दे दिया था, तो यहां टू बचा, टू माइनस टू इक्वल टू नथिंग, देन टू माइनस टू इक्वल टू नथिंग. नाउ यू विल बी नोटेड डाउन द लास्ट डिजिट. लास्ट डिजिट इज हियर टू. सो स्टूडेंट्स यू कैन सी इट हियर, इट विल बी डिविजिबल बाय ओनली वन टाइम, बिकॉज 45 टू इज 90 एंड 82 इज लेस देन द 90. सो हियर यू विल डिवाइड विद 45 इन वन टाइम. ओके, सो टू में से फाइव नहीं जाएगा बेटा, वन कैरी करेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से फाइव गया 7, 8 में से हमने वन दे दिया, क्या बचा 7, 7 में फोर गया 3. ओके, सो नाउ यू कैन सी आपका ये रिमाइंडर हो गया. ओके, एंड 551 इज क्वेश्चन. सो हियर यू विल राइट आंसर इज इक्वल टू क्वेश्चन इज इक्वल टू 551 कॉमा रिमाइंडर इज इक्वल टू 37. ओके, सो व्हेन यू वांट टू चेक द आंसर, सो हाउ कैन यू चेक इट, लुक हियर, चेक द आंसर बेटा. हमने आपको बताया था व्हेन यू वांट टू चेक द आंसर, सो आप क्वेश्चन से जिस नंबर से आपने डिवाइड किया उसमें मल्टीप्लाई करेंगे. इट मींस 551 से 45 में आप मल्टीप्लाई करेंगे. सो हियर यू विल मल्टीप्लाई 551 इनटू 45. ओके, सो फर्स्ट यू विल मल्टीप्लाई विद दिस 5. 5 वन जा 5, 5 फाइव जा 25, 5 हियर 2 विल बी कैरी फॉरवर्ड, 5 फाइव जा 25, 25 प्लस 2 27. नाउ हियर यू विल पुट क्रॉस, 4 से अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 1 में करेंगे, 4 वन जा 4, देन 4 फाइव जा 20, 20 का 0 हियर एंड 2 विल बी कैरी फॉरवर्ड, 4 फाइव जा 20, 20 प्लस 2 22. नाउ यू विल एड इट, सो 5 के नीचे कुछ नहीं, तो 5, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, हियर 7 और 0 इज इक्वल टू 7, एंड देन आफ्टर दैट 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, एंड 2 का एज इट इज आप 2 लिख देंगे. ओके, नाउ यू विल एड द रिमाइंडर इन दिस नंबर, रिमाइंडर इज 37, सो आप 37 को यहां पर एड करेंगे. ओके, 37 एड करेंगे, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, 12 का 2 हियर एंड 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड, 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13, 13 का 3 हियर यू विल रिटेन एंड 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड. सो 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8, देन आफ्टर दैट 4 एंड 2. सो यू कैन सी इट हियर, यू हैव गॉट द नंबर 24,832 एंड यू कैन सी इट हियर, दैट इज द सेम नंबर, ये वही नंबर है जितने नंबर को आपने डिवाइड किया था, 24,832. इट मींस योर आंसर इज करेक्ट. So here you will write, therefore answer question is equal to 551, comma remainder is equal to 37 is correct. यानी आपका ये आंसर क्या है बेटा, करेक्ट है. आई थिंक स्टूडेंट्स कुछ समझ में आया होगा आपको. अब फिर भी बेटा अगर कहीं डाउट है, सो यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रीली विदाउट एनी हेजिटेशन, बट ट्राई टू गेट फुल मार्क्स, ट्राई टू गेट गुड मार्क्स इन योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन. ओके, नाउ स्टूडेंट्स लुक क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2 हियर. ओके, हियर यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन इट हैज बीन टोल्ड टू यू, मिस निशा अर्न्स रुपीज 97,080 इन अ ईयर, व्हाट इज हर मंथली अर्निंग. यानी मिस निशा जो है एक साल में 97,080 रुपीज अर्न करती हैं, उनकी मंथली इनकम या मंथली अर्निंग क्या है. सो स्टूडेंट्स कितने की दे रहा है आपको ईयर अर्निंग, वन ईयर, हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर, 12. सो इट मींस दिस इज द अर्निंग ऑफ 12 मंथ्स, एंड व्हाट अबाउट हैज बीन आस्क्ड मंथली अर्निंग, इट मींस वन मंथ की आपसे अर्निंग पूछ रहा है. सो बेटा 12 मंथ्स की दिया है, वन मंथ की पूछ रहा है, ज्यादा दिया हो कम पूछे क्या करते हैं बेटा, डिविजन. ओके, सो वी विल डिवाइड इट हियर, सो यू विल राइट इट हियर, वन ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, आप यहां लिखेंगे बेटा,
वन ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, क्योंकि वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं बेटा, 12 मंथ्स. सो सेंस 12 मंथ्स अर्निंग इज इक्वल टू रुपीज 97,080 मंथली अर्निंग. मीन्स आपको 1 मंथ की अर्निंग निकालनी है. देयर फोर 1 मंथ अर्निंग इज इक्वल टू, सो बेटा यू कैन सी इट हियर, 12 दिया है, 1 पूछ रहा है, 12 मंथ्स की आपको अर्निंग दे रहा है एंड 1 मंथ की अर्निंग पूछ रहा है बेटा. ज्यादा दिया हो कम पूछे तो बेटा डिवाइड करते हैं. प्रीवियस एक्सरसाइज में, 1 एक्सरसाइज में हमने आपको क्या बताया था, कम दिया हो ज्यादा पूछे मल्टीप्लाई, ज्यादा दिया हो कम पूछे डिवाइड. सो हियर इट हैज बीन गिवेन अबाउट द 12 मंथ्स अर्निंग एंड हियर इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट द 1 मंथ अर्निंग. सो हियर यू विल डिवाइड. सो लुक हियर, हाउ कैन यू डिवाइड, इट मींस 97,080 डिवाइडेड बाय 12. ओके, सो लुक इन द रफ, हाउ कैन यू डिवाइड इट इन द रफ कॉलम. आई विल डिवाइड. सो 12 एंड 97,080. सो बेटा आई थिंक सबको 12 की टेबल आती होगी, बिकॉज हाफ ईयरली के सिलेबस में बेटा हम पहले ही बता चुके हैं आपको 2 to 17 यानी 2 से लेकर के 17 तक, यानी 2 से लेकर 17 तक की टेबल आपके हाफ ईयरली के सिलेबस में है. सो 2 to 17 में आपका 12 भी आता है. सो सबको हमें उम्मीद है सबने लर्न कर ली होगी टेबल. अगर नहीं लर्न कर रही है सो बेटा लर्न इट. ओके, सो नाउ यू कैन डिवाइड इट हियर. सो 12 8 96, सो हियर इट विल बी डिविजिबल बाय 8 टाइम्स. सो 96 को आप माइनस करोगे 97 से, सो यू विल गॉट 1. नेक्स्ट नंबर 0 यू हैव बी नोटेड डाउन, बट यू कैन सी इट हियर 10 से 12 डिवाइड नहीं होगा. सो आप यहां एक 0 बढ़ाएंगे, देन आफ्टर दैट अनदर नंबर आप नोट डाउन करेंगे. नाउ योर नंबर इज 108 एंड 108 हैज बीन डिविजिबल बाय 9 टाइम्स. सो 9 हियर यू विल पुट, सो 108. देन आफ्टर दैट यू विल सब्ट्रैक्ट 108 से 108 या कुछ नहीं बचा, क्रॉस लगा देंगे एंड 0 हैज बीन रिमेनिंग. सो 0 आप यहां नोट करके पर लिख देंगे. सो नाउ आफ्टर डिवीजन यू हैव गॉट द नंबर 8090. रिमेंबर स्टूडेंट्स आपको यूनिट लिखना कंपलसरी है. सो हियर यू विल राइट रुपीज 8090. ओके, सो नाउ व्हाट इज योर आंसर, यू विल राइट द आंसर. आंसर इज इक्वल टू क्या पूछा था, व्हाट इज हर मंथली इनकम. सो हियर यू विल रिटर्न, यू विल राइट मिस निशा मंथली इनकम या मंथली अर्निंग इज इक्वल टू रुपीज 8090. रिमेंबर स्टूडेंट्स यूनिट लिखना कंपलसरी है, रुपीज है यहां पर. सो यूनिट रिमेंबर बेटा, जहां भी जो यूनिट होगी दैट इज मैंडेटरी टू राइट. ओके, सो स्टूडेंट्स आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट सोल्यूशन. फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन ऑल्सो आस्क द क्वेरी विद मी. ओके, नाउ योर एक्सरसाइज 2 हैज बीन रिकैप्चुलाइज. ओके,